हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकदस मरकस के मुताबिक उसका छठा भाग 7-13 आयत तक। उस वक्त यीशु इर्द गिर्द के गांव में तालीम देता फिरा, तब उसने 12 को पास बुलाया और उनको दो दो करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवाय लाठी के कुछ न लो, न रोटी, न थैली, न अपने कमर बंद में पैसा, मगर चपलियाँ पहनो और दो कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहाँ से रवाना ना हो, और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ दो, ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मुनादी करने लगे कि तौबा करो, और वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शिफा देने लगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को पहली मर्तबा मुनादी करने का मौका दिया। उसने उन्हें खास हदायत भी दी जिनका ताल्लुक सिर्फ उसी दौरे से था, क्योंकि ये दौरा मुख्तसर था। वो अपने वतन और अपने दोस्तों के दरमियान थे और उनको बहुत जल्द रवाना होना था। वो यीशु के साथ रहते थे, लेकिन अब उन्हें बाहर जाना था। उनका पैगाम भी वही, यानी तौबा और ईमान का पैगाम था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और मसीह यीशु का था। यहाँ हम इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि यीशु को अपनी कुदरत को दूसरों को सौंपने का इख्तियार हासिल था, क्योंकि शागिर्दों ने वाकई बीमारों को अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला। आज भी वो लोग जिनको वो भेजता है उसकी कुदरत में शरीक हैं। Radio Veritas Asia.